सरकार के नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, बंगाल में भी 24 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी, कहाँ ममता बनर्जी का संतराशवादी का सरकार है। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ की कानून व्यवस्था पर सिर्फ सवाल नहीं उठता है, सवालों की बौछार होती है। दरअसल वहाँ पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था में गंभीर खामियाँ हैं, शासन स्तर पर गंभीर खामियाँ हैं, उसी का दुष्परिणाम लगातार देखने को मिलता है कि एक से बढ़कर एक निर्मम जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं, हृदय विदारक घटनाएँ होती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी जी। लॉकेट जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। महिला का राज है पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक ममता जो बरसनी चाहिए वहाँ पर महिलाओं पर बरसनी चाहिए, लेकिन निर्ममता बरसती है वहाँ पर। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किन किन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया लूँ। हांसखाली का मामला सामने आया है, कैसे देखती हैं आप इन सब विषयों? बहुत ही निर्मम घटना घटी है हांसखाली में। ये सिर्फ हांसखाली नहीं है, 8 साल हो गया मैं पार्टी में काम कर रही हूँ लगातार, और पश्चिम बंगाल में हर एक दिन किसी ना किसी बच्चे का, महिला का ऐसा उसका ऊपर अत्याचार, और अत्याचार सिर्फ नहीं, उसको मार देते हैं और उसके बाद उसका बॉडी को जला देते हैं। हम लोग बहुत सारा मालदा में, मुर्शिदाबाद में, जलपाईगुड़ी में, बीरभूम में, बहुत सारा जगह में गए थे, लेकिन एक के बाद एक घटना चल रहा है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री, सब एक्सपेक्ट किया था कि जब महिला मुख्यमंत्री आया था 2011 में तो महिला मुख्यमंत्री महिला को सुरक्षा देंगे, लेकिन एकदम उल्टा हो गया। महिला मुख्यमंत्री महिला, जिन लोगों ने महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो दोषी है उसको सुरक्षा देते हैं, तो पूरा उल्टा हो गया जी। अभी भी उन्होंने सेकंड टाइम इतना जनता का आशीर्वाद लेके बंगाल में सरकार बनाया जी। लेकिन अभी तक महिला के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है इसके ऊपर ममता बनर्जी सीरियस नहीं है, क्योंकि जो कन्याश्री बोलिए, रूपश्री बोलिए, बहुत सारा कुछ महिला को दे रहे, शोध साथी साइकिल दे रहे, बहुत सारे, लेकिन साइकिल को लेकर क्या फ़ायदा होगा, कन्याश्री का रुपया लेकर क्या फ़ायदा होगा? अगर किसी का सम्मान कोई ले लेंगे, किसी का खून हो जाएगा, किसी का बाप माँ का बेटी खून हो जाएगा, तो कन्याश्री का पैसा ले कर क्या करेंगे? तो ये अभी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, जनता देख रहे, पूरा देश देख रहे। और एक साल होने वाला है ममता बनर्जी के नए टेन्योर को, नए जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में तो चलिए फिर भी तनावपूर्ण माहौल रहता है कई बार, लेकिन उसके बाद तो सब सामान्य हो जाना चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, देखिए सब कुछ सामान्य तरीके से सरकार चल रही है, लेकिन बंगाल में हिंसा हिंसा हिंसा। क्या बीजेपी का ये जो आरोप है कि वहाँ पर जो तृणमूल पार्टी है उसमें इन्वॉल्व रहती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आप भी उस बात से सहमत रहते हैं? एकदम पूरा हिंसा में तो पुलिस भी शामिल है। पुलिस का जो थाना है वो तो तृणमूल का पार्टी ऑफिस है जी। पुलिस का थाना अभी जो पूरा जगह में, अभी कुछ दिन पहले रामपुरहाट में जो देखा आपने, जिंदा जला दिया महिला को, बच्चे को, करीब 15 के आसपास लोग को जला दिया। अभी सीबीआई चल रहा है, किसी को भरोसा ही नहीं करते हैं पश्चिम बंगाल में, जो खुद का लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए जनता चाह मांगे थे सीबीआई, तो सीबीआई हुआ है। तो हर एक दिन हर एक घटना, जो सेकेंड मे के बाद जो हम लोग देखा कि सरकार नहीं आया, तो सर वोट में तो हार जीत होता ही है, लेकिन इसमें जो वायलेंस चला वो इतिहास हो गया, पूरा देश देखा। 4 महीना 5 महीना अभी तक भी बहुत सारा लोग बंगाल के बाहर है, दूसरा राज्य में है, अभी तक घर नहीं जा पाया। मेरा क्षेत्र हुगली में भी बहुत सारा जगह में इतना केस दे दिया है, वो दिया है कि वो घर नहीं आ सके जी। उनका बच्चे का एग्जाम है, एग्जाम नहीं दे सके क्योंकि एग्जाम देने के लिए उसको घर आना पड़ेगा, घर आने के लिए उसको गिरफ्तार हो जाएगा हमारा बीजेपी करने के लिए। तो ये सब चल रहा है, बहुत सारा महिला लोग बच्चों को लेकर आफ्टर सेकेंड में बाहर चला गया था, दूसरा राज्य में चला गया था। जो पुरुष जो था, जो बीजेपी करते थे, वो लोग पूरा चला गया, गाँव पाँव पूरा खाली हो गया। और ये लोग क्या किया, खोज खोज के जो जो बीजेपी का जो घर है उसको एकदम जला दिया, बुलडोजर से उड़ा दिया। ये सब पूरा अभी भी चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन उसमें कुछ विचार नहीं होता है क्योंकि ये लोग बीजेपी करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा दोष है जी। और खासतौर पे आपने कहा कि पूरा देश देख रहा है लेकिन विचार नहीं हो रहा है। अभी हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म आई,
कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोग विरोध में खड़े हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये तो सांप्रदायिक विभाजन की बात कर रही हैं। बंगाल में इतना कुछ होता है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मानवाधिकार के रक्षक हैं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है? देखिए, बंगाल में तो ऐसा ही सिस्टम है। बंगाल में तुष्टिकरण का राजनीति सबसे ज़्यादा चलते हैं। कल रामनवमी था, रामनवमी का जुलूस में भी दो जगह में, हावड़ा में बोलिए, बांकुड़ा में बोलिए, रामनवमी का जुलूस में भी हमला हुआ है जी। हम लोगों के ऊपर, रामनवमी के ऊपर अभी तक भी केस है जी। कि तुष्टिकरण का राजनीति इतना ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे कि जो 30% का जो राजनीति बंगाल में सबसे बड़ा प्रायोरिटी है ममता बनर्जी सरकार देते हैं और इतना ज़्यादा देते हैं। तो ये लोग जो भी करते हैं ना, उसका कुछ दोष नहीं है जी। उसका उसमें जब कुछ उन्होंने अन्याय कुछ करते हैं तो उसमें वो ममता बनर्जी का पार्टी का है और 30% में है तो उसका सब दोष माफ। तो ये पूरा एकदम बंगाल में यही प्रोसेस सालों के सालों तक ये चल रहा है जी। तो हम लोग कोई प्रतिवाद करेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे जी। तो उसको गिरफ्तार कर देंगे जी। और हम लोग अगर इसके लिए, बांग्लादेश में जब हिंदू टेंपल में जब आग लगा था, हिंदू टेंपल में जब तोड़ दिया था, तो तब हम लोग के यहाँ पे हम लोग मिचिल करने के लिए आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा बांग्लादेश से लोग यहाँ पर है, हमारे पश्चिम बंगाल में है, उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे, लेकिन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे पूरा हिंदू के ऊपर जो पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार होता है और मुस्लिम का जो तुष्टिकरण का राजनीति होता है, ये बंगाल एक एग्जाम्पल है जी। ने कहा कि बंगाल एग्जाम्पल है और अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे, आप उत्तराखंड में प्रभारी भी रहीं, एक आपको बड़ी भूमिका मिली थी, आपने देखा हुआ कि वहाँ पर किस तरीके से चुनाव हुए, अपने चुनाव का बेहतरीन संचालन किया अपने राज्य में और वहाँ के उत्तराखंड का जो चुनाव प्रक्रिया थी, आपने देखा कि बंगाल में किस तरह की हिंसा होती है, उत्तराखंड में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, क्या अंतर आपने देखा और क्या आप बंगाल में जाकर लोगों को बताएंगे कि देखिए ये प्रक्रिया होती है, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं? कहाँ, उत्तराखंड में तो कुछ नहीं है जी। उत्तराखंड, मैंने 6 महीना मैं उत्तराखंड में थी, इतना अच्छे से लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारा हमारा हिंदू लोग रहते हैं, नमशूद्र वाला लोग रहते हैं, बंगाली लोग रहते हैं, 2-3 लाख बंगाली लोग हैं, बंगाली वोटर्स हैं, वो लोग तो पहले से ही मोदी जी को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और एकदम प्रो बीजेपी है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बंगाल से बाहर है, वो लोग जानते हैं कि हम लोगों को, अगर हिंदू लोगों को अगर कोई बचाएगा, जो बचाने का सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी सरकार है जी। तो वो लोग जानते हैं, आप लोग देखा कि कितना आशीर्वाद किया नरेंद्र मोदी जी को पूरा उत्तराखंड में, एवं ये जो हिस्ट्री में नहीं हुआ, जो एक सरकार दो बार रिपीट हुआ जी। ये तो इतिहास हो गया और बहुत सारा लोग मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया उसके ऊपर संतुष्ट होकर वोट दिया जी। और ममता बनर्जी की बात करें तो उनका आरोप होता सीधा कि जो मोदी सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है, लेकिन बंगाल की बात कर लें तो गवर्नर को कोई सुनता नहीं है, गवर्नर अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसका ऐसा पलटवार के तरीके से जवाब दिया जाता है, बच्चे वहाँ पर वाइस चांसलर को धमकाते हैं, तो जब बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, आप देखिए सीबीआई वहां पर जाती है तो उसको वो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सीबीआई अगर जांच कर रही है तो राज्य सरकार कहती है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो हम पलटवार करेंगे, तो ये संवैधानिक संस्थाएं तो बंगाल में खुद सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं, दोनों साइड से अगर सोचिए ना, अगर वोट में जीत गया तो बोलता है कि ईवीएम ठीक है, हाँ ये गणतंत्र का जय है, अगर वोट में हार गया बोलते ईवीएम का प्रॉब्लम है, ईवीएम पूरा षड्यंत्र करके ऐसा किया है, अगर आप सीबीआई कुछ आपने चोरी किया और चोरी करने के लिए आपको पकड़ लिया तो बोलेगा कि हम लोग के पास षड्यंत्र करके पकड़ लिया, तो जो चोर है उसको लगते अरे अगर हम लोग को कुछ शास्ति नहीं मिलेगा, तृणमूल में नाम लिखा लो जी। तो अगर सीबीआई भी आएगा तो हम लोग कोई हाथ नहीं दे सकेंगे जी। और जो बड़ा बड़ा जो घटना घटती है उसमें खुद का सीआईडी को लगे, खुद के एजेंसी को लगा के उसको छुपाने का कोशिश करते हैं और बाहर में लोग को बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी बंगाल का लोग सब कुछ जान गए, ऐसा ऐसे सब कुछ मालूम हो रहा है, पर्दे से बाहर आ रहा है सब कुछ घटना, अंदर में तृणमूल का अंदर में जो इंटरनल जो लड़ाई है वो भी सामने आ रहा है, इंटरनल लड़ाई में एक किसी का प्राण जीवन ही ले लेते हैं, किसी मोगराहाट में जो हुआ है कि दोनों को खून हत्या कर दिया ऐसा हुआ है, हाशकाली में आप परसों का घटना है आप देखिए, उसको गैंगरेप करके उसको जला दिया क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा,
तो इसको देखकर भी बंगाल का बाहर का लोग, पूरा देश लोग देख रहे हैं, अभी बंगाल का लोग भी, बंगाल का जनता भी अभी महसूस कर रहा है कि ये जो सरकार आया ये ठीक नहीं है। देखिए अब कितना दिन चलता है सरकार जी। वाकई में हत्याएं तो हैं, और अगर कोई चश्मदीद है तो उसकी भी हत्या हो जाती है, अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। अभी वहां पर दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा की एक विधानसभा की। एक कुछ समय पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें धमकाया गया था सीधा कि बीजेपी के जो वोटर हैं उनको अगर बीजेपी को वोट दिया तो परिणाम भुगतना होगा। आपको लगता है कि निष्पक्ष तरीके से वहां पर चुनाव हो पाएंगे दोनों? निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स भी है और हमारा दो सीट है बालीगंज और आसनसोल, बहुत अच्छे से वहाँ पे चुनाव होगा और सब लोग अगर वोट देंगे तो ये दो सीट हम लोग जीत पाएंगे क्योंकि बंगाल में अभी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी लेकिन वहाँ पर सीपीएम भी अब दिखा रही है कि हम भी कुछ सुगबुगाहट चल रही है। अभी वहाँ पर सीताराम येचुरी को दोबारा से बना दिया है माकपा महासचिव वापिस से। आपको लगता है कि सीपीएम का कुछ वहाँ पर बचा है? कुछ भी नहीं है, सीपीएम को उन्होंने जगह दे दिया है ममता बनर्जी ने, क्योंकि 2019 में जो सीपीएम का जो वोट था वो पूरा आ गया था हमारा पार्टी में आ गया था जी। तो क्योंकि सीपीएम को वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। 34 ईयर्स सीपीएम ने इतना अत्याचार किया है तो सब लोग को मालूम है सीपीएम क्या है, उससे ज़्यादा ममता बनर्जी का सरकार है। अभी विकल्प भारतीय जनता पार्टी है तो सीपीएम को स्पेस दे रहा है कि तुम लोग भाई आगे बढ़ो, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा जो 24 के इलेक्शन है उसमें हम लोग पीछे हो जाएगा। 24 में उनको प्रधानमंत्री का सपना है उनको, लेकिन सपना तो सपना ही रह जाएगा। और 24 में हम लोग जानते हैं कि 24 में देश में जैसा देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार के नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, बंगाल में भी 24 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जी। आपने प्रधानमंत्री पद के सपने की, ममता बनर्जी गोवा भी जाके लड़ी हैं, यूपी में भी पांव मजबूत करना चाह रही हैं, अनेक राज्यों में कदम रख रही हैं, हालांकि बीजेपी को वो खुद बाहरी पार्टी बताती रही हैं बंगाल में। कैसे देखती हैं, लगता है कि तृणमूल का जो बाहर जाने का, दूसरे राज्यों में पांव अपने बढ़ाने का प्रयास है, सफल होगा? ये कुछ नहीं होगा, त्रिपुरा में तो एक हुआ था पंचायत पर, या काउंसिलर हुआ था, वो भी चला गया इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में चला आया। गोवा में तो कुछ भी नहीं कर पाया, जिसके साथ उन्होंने एक साथ जुड़े थे तो वो भी चला गया, बीजेपी को सपोर्ट दे दिया, तो कुछ भी नहीं है। पैसा जो है उनका, हमारा जनता का पैसा है, बंगाल का जनता का पैसा है, वो पैसा पूरा लूट हो रहा है, वो पैसा को लेकर गोवा में जाके त्रिपुरा में जाके उड़ा रहा है, क्लब को दे रहा है, और सब लोग जानते हैं कि कहाँ है नरेंद्र मोदी जी, कहाँ ममता बनर्जी का संतराशवादी का सरकार है, ये लोग तो उखड़ के फेंक देगा इसको जी। और आप लोगों ने कटमनी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, और चुनाव से पहले कुछ ऐसे वाकई भी आए थे कि कटमनी कुछ वापस भी की गई थी, कुछ ऐसे प्रसंग सामने आए थे। आपको लगता है कि फिर से वही सब चीजें चल रही हैं, भ्रष्टाचार, कटमनी और ये सब? दिखाने वाला था सब लोग, उस टाइम में चुनाव होने वाला था तो वहाँ पे उनको स्ट्रैटेजी किया था, भाई तुम चोरी किया, जो टाका लिया, जो पैसा लिया तुम वापस दे दो, ये करके एक अच्छा से इमेज बनाने का कोशिश किया था, लेकिन चुनाव हो गया फिर से कंटिन्यू हो गया। काटमनी का जो सरकार है, सिंडिकेट का जो सरकार है, ऐसा ही चलता है, जनता इसका जवाब देंगे जी। अंतिम सवाल लॉकेट जी, एक अभी अमित शाह जी ने बयान दिया था, उसको लेकर टीएमसी ने कहा है कि हिंदी थोपने का प्रयास है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, अमित शाह जी ने बोला है जो जगह में हम लोग इंग्लिश है उसमें हम लोग को हिंदी में बात करना चाहिए, हिंदी को प्रायोरिटी देना चाहिए, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, ये बोला है। लेकिन ये लोग पूरा कंफ्यूजन करके, पूरा जनता के बीच में पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जैसा बंगाल में है, हम लोग बंगाली भाषा हम लोग का मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, हम लोग तो बंगाली में बात करेंगे, लेकिन हम लोग जहाँ पे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं उसमें हम लोग हिंदी बोले, ये अमित शाह ने बोला है। लेकिन ये पूरा जैसा बंगाली लोग को पूरा देश से अलग किया था चुनाव में, ऐसा ही उनका करने का कोशिश है 24 में, लेकिन हम लोग इसको नहीं करने देंगे। बहुत धन्यवाद लॉकेट जी, आपका अपने बड़ी प्रखरता के साथ बंगाल से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।